Guys, my name is Shivajan. Welcome back to my channel, Technote. So guys, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट स्मार्टफोन अंडर ₹20,000 इन इंडिया. तो गाइज इंडिया में बहुत सारी स्मार्टफोन कंपनीज है, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, शाओमी, वन प्लस, रियलमी एक्सेट्रा. एंड गाइज हम यहाँ पर एप्पल को ऑब्वियसली नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि एप्पल मिड रेंज स्मार्टफोन्स नहीं बनाता. तो इस वीडियो के लिए हम एप्पल को बाहर रखते हैं. तो गाइज जब कंसिडरिंग दिस वीडियो, तो इस वीडियो को मैंने ऐसे डिवाइड करा है कि यहाँ पर इंडिया में बहुत सारी स्मार्टफोन कंपनीज है एंड हर कोई डिफरेंट स्मार्टफोन कंपनी प्रेफर करता है. कोई किसी को सैमसंग अच्छा लगता है, किसी को ओप्पो अच्छा लगता है, किसी को वन प्लस भी अच्छा लगता है. तो गाइज मैंने यहाँ पर ऐसा करा है कि मैं आपको यहाँ पर सारी कंपनीज के बेस्ट स्मार्टफोन्स बताऊंगा अंडर ₹20,000. एंड गाइज लास्ट में मैं आपको भी अपना बेस्ट पिक बताऊंगा इन सब स्मार्टफोन्स में. तो गाइज इससे पहले मैं स्मार्टफोन्स के बारे में बात करना शुरू करूं, यहाँ पर तीन ऐसे क्राइटेरिया पॉइंट्स हैं जो इन सारे स्मार्टफोन्स को फॉलो करने हैं, बिकॉज आजकल के टाइम में ये सारे फीचर्स इस स्मार्टफोन में होने ही चाहिए. So guys, the first thing is 5G. The phone should be a 5G phone. Second is ki the battery should be more than 4000 mAh. And the third thing is ki us smartphone mein ek decent camera hona chahiye, kyunki aaj kal logo ko yahi rehta hai ki unke smartphone mein ek acha camera ho jisse wo achhi pictures click kar sake. So starting with the first smartphone, which is the Samsung Galaxy M33 5G. ये स्मार्टफोन कुछ ज्यादा लेटेस्ट नहीं है, थोड़ा सा पुराना है, बट ये जो फीचर्स इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के अंडर लाता है, ये सैमसंग के अभी बाकी सारे स्मार्टफोन 20,000 के अंडर है उनसे काफी ज्यादा बेटर है. सो गाइज ये जो स्मार्टफोन है ये एंड्रॉइड 12.0 पे बेस्ड है एंड आपको इसके साथ 2 ईयर के सॉफ्टवेयर अपग्रेड मिलेंगे. इस स्मार्टफोन में 8GB रैम के साथ आपको मिलती है अप टू 16GB वर्चुअल रैम या फिर एक्सटेंडेड रैम, दोनों का एक मतलब होता है. तो ये बेसिकली होता क्या है कि एक स्मार्टफोन अपनी मेन स्टोरेज में से कुछ स्टोरेज को बोरो करता है एज रैम, तो वो उस रैम को थोड़ा एक्सटेंड कर देता है ताकि आपका स्मार्टफोन कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस पे अच्छा परफॉर्म कर पाए, जब आप कुछ गेम्स खेल रहे हो या फिर कुछ हाई परफॉर्मेंस टास्क कर रहे हो. एंड इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है सैमसंग का एक्सिनोस प्रोसेसर जो कि एक 5 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर है. इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है एक 6.6 इंच का FHD प्लस डिस्प्ले जिसमें आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट. इस स्मार्टफोन में आपको मिलती है एक मैसिव 6000 mAh बैटरी बट विद जस्ट अ 25W फास्ट चार्जिंग. जब इतनी बड़ी बैटरी थी तो ज्यादा चार्जिंग भी दे सकते थे सैमसंग वाले, सो आई थिंक दिस इज अ थिंग जो यहाँ पर थोड़ी कम. एंड अगर हम स्मार्टफोन की कैमरा की बात करें तो यहाँ पर हमें मिलता है एक क्वाड कैमरा सेटअप जिसमें मिलता है हमें एक 50 MP का प्राइमरी लेंस, साथ में मिलता है 5 MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2 MP के डेप्थ एंड मैक्रो लेंस. सैमसंग के कैमरा आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, इनके कैमरा से जो फोटोज आती है वो बहुत ही टॉप नॉच होती है एंड इनके कैमराज आर बेस्ट इन द मार्केट. एंड गाइज इस स्मार्टफोन में आपको वॉइस फोकस का फीचर भी मिलता है, तो ये एक न्यू फीचर है सैमसंग के फोन्स में. तो बेसिकली जब आप कोई वीडियो कॉल पे होते हो या कोई फोन कॉल पे होते हो तो जो मेन सब्जेक्ट है जो बोल रहा है ये उसी की वॉइस पे फोकस करेगा एंड बाकी की जो भी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है उसको रिमूव कर देगा, ये थोड़ा डाउन कर देगा. एंड इस स्मार्टफोन में आपको मिलती है पावरफुल टेक्नोलॉजी की जब आप गेमिंग कर रहे हैं, कुछ हाई परफॉर्मेंस टास्क कर रहे हैं तो फोन थोड़ा कम गर्म होगा एंड उसको ये कूल रखेगा. एंड इस स्मार्टफोन में कुछ कैमरा सॉफ्टवेयर टूल्स भी मिल जाते हैं जो आपकी फोटोज को एडिट कर सकते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट इरेजर टूल की अगर आपके बैकग्राउंड में कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड यहाँ पर एक नॉइज रिडक्शन का भी फीचर है कि अगर आपकी फोटो की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ये उसको भी बेटर कर देता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड साथ ही सैमसंग स्मार्टफोन्स में आपको नॉक सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कराई ही जाती है. तो गाइस स्मार्टफोन का प्राइस है ₹17,499 जो कंसिडरिंग इतने अच्छे और इतने सारे फीचर्स एक बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइस है. नाउ मूविंग टू द सेकंड स्मार्टफोन विच इज वीवो Y56 5G. इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है 6.58 इंच का FHD प्लस LCD डिस्प्ले, साथ ही आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी. एंड इस स्मार्टफोन में भी आपको मिलती है 8GB रैम विद एक्सटेंडेड 8GB रैम मोड जो कि वर्चुअल रैम जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ. साथ ही आपको मिल जाता है वीवो का फन टच OS 12 एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर. यहाँ पर अगर हम कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक 50 MP का प्राइमरी लेंस. एंड अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 16 MP का कैमरा लेंस. इफ कंसिडरिंग द डिजाइन तो डिजाइन काफी प्रीमियम लगता है, काफी स्लीक डिजाइन है, फोन काफी थिन एंड पकड़ने में काफी कंफर्टेबल भी है. एंड इस स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर है वो है MediaTek Dimensity 700 जो आपको डिसेंट परफॉर्मेंस दे देगा. एंड गाइज एक और पॉइंट इस स्मार्टफोन में कि इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है LCD डिस्प्ले, तो LCD डिस्प्ले आजकल के टाइम में लाइक इट्स ओके बट इतना भी अच्छा नहीं होता. अगर इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाता एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो ये और भी अच्छा हो सकता. एंड गाइज इस स्मार्टफोन का प्राइस है ₹19,999 जो आई थिंक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा ज्यादा है कंसिडरिंग ऑल द फीचर्स जो ये फोन प्रोवाइड कर रहा है. बट गाइज वीवो Y56 जो आपको कैमरा प्रोवाइड करता है, जो कैमरा क्वालिटी है वो उसकी काफी अच्छी है एंड स्पेशली जो इनके सेल्फी कैमरा होता है, जो फ्रंट कैमरा होते हैं, उनकी पिक्चर्स तो बहुत ही अमेजिंग होती है. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड स्मार्टफोन विच इज ओप्पो A78 5G.
तो गाइज ये पर्टिकुलर स्मार्टफोन मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगा, ये एक डिसेंट स्मार्टफोन है जो आपको डिसेंट परफॉर्मेंस और एक डिसेंट कैमरा प्रोवाइड करता है। तो इस स्मार्टफोन में भी आपको मिलती है अप टू 8GB रैम और साथ में आपको एक्सटेंडेड 8GB रैम भी मिलती है। साथ ही आपको मिल जाती है 5000mAh की बैटरी विद 33W फास्ट चार्जिंग जो कि सुपर वूक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। सुपर वूक ओप्पो की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को बोला जाता है। ये फोन एंड्रॉइड 13 पे बेस्ड है। साथ ही आपको मिल जाता है ओप्पो का कलर OS। डिस्प्ले में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। एंड स्मार्टफोन का जो डिजाइन है वो Vivo Y56 5G से काफी ज्यादा सिमिलर है। ये स्मार्टफोन भी काफी स्लीक है। तो गाइज अगर आप एक डिसेंट कैमरा चाहते हैं, ओप्पो का कैमरा भी अच्छे होते हैं, तो अगर आप एक अच्छा कैमरा चाहते हैं, डिसेंट परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो यस यू कैन गो फॉर दिस स्मार्टफोन। एंड गाइज इस स्मार्टफोन का प्राइस है ₹18,919। सो गाइज नाउ टॉकिंग अबाउट अ फोर्थ स्मार्टफोन विच इज रियलमी नार्जो 50 Pro 5G। ये स्मार्टफोन ने मेरे को काफी सरप्राइज करा क्योंकि इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 जो कि पर्टिकुलरली गेमिंग पे फोकस करा गया है। तो अगर एक प्रोसेसर पर्टिकुलरली गेमिंग के लिए बनाया गया है तो यस यू कैन कंसिडर कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। साथ ही स्मार्टफोन में आपको मिलता है 6.4 इंच का सुपर एमोलेड FHD प्लस 90Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले। साथ ही आपको मिल जाती है 6GB की रैम। एंड इस स्मार्टफोन में भी आपको मिलेगी 5000mAh की बैटरी विद 33W फास्ट चार्जिंग। एंड रियलमी क्लेम्स की 33W फास्ट चार्जिंग के साथ आपका स्मार्टफोन फुल चार्ज हो सकता है इन जस्ट 30 मिनट्स। एंड अगर हम इसके कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसमें आपको मिलता है 48MP का प्राइमरी लेंस विद 8MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2MP का मैक्रो लेंस। साथ ही आपको मिलता है 16MP का फ्रंट कैमरा। तो अगर आप एक स्मार्टफोन चाहते हैं जो काफी परफॉर्मेंस बेस्ड हो, हाई परफॉर्मेंस टास्क कर सके, आप इस पे गेमिंग कर सके, तो यस यू कैन गो फॉर रियलमी नार्जो 50 Pro 5G। एंड गाइस इस स्मार्टफोन का प्राइस भी मेरे को काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव और रीजनेबल लगा जो कि है ₹17,999 कंसिडरिंग ऑल द फीचर्स जो ये फोन प्रोवाइड कर रहा है, स्पेशली अ गेमिंग स्मार्टफोन। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट अ फिफ्थ स्मार्टफोन विच इज OnePlus Nord CE3 Lite 5G। आई डोंट नो OnePlus इतना बुरा है अपने फोन्स को नेम करने में, इतने ज्यादा लंबे लंबे नाम है। Nord के भी आगे CE लगा दिया, देन उसका लाइट वर्जन भी निकाल दिया एंड उसका भी 1, 2, 3 पार्ट है एंड देन आगे 5G भी लगा दिया। तो आई गेस OnePlus को थोड़ा काम करना चाहिए अपने स्मार्टफोन्स को नेम करने पर। तो गाइज इन स्मार्टफोन्स की लिस्ट में ये पहला स्मार्टफोन है जिसमें हमें मिलता है Qualcomm Snapdragon 695 5G। साथ ही हमें मिल जाती है 8GB रैम। एंड अगर हम कैमरा की बात करें तो यहाँ पर हमें मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसमें हमें 108MP का मिलता है प्राइमरी लेंस एंड 22MP की डेप्थ और मैक्रो लेंस। एंड साथ ही मिलता है 16MP का फ्रंट कैमरा। OnePlus की कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इससे भी जो पिक्चर्स आती है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट क्वालिटी की होती है। एंड एक 108MP के कैमरा लेंस की हेल्प से आपको यहाँ पर मिल सकती है बहुत ही अच्छी डिटेल्ड एंड शार्प फोटोज। इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है 6.72 इंच का FHD प्लस डिस्प्ले विद अ 120Hz रिफ्रेश रेट। एंड गाइज ये स्मार्टफोन भी एंड्रॉइड 13 पे बेस्ड है। साथ ही आपको मिलता है ऑक्सीजन OS। पहले कुछ OnePlus के स्मार्टफोन्स में हमें मिलता था कलर OS जो कि ओप्पो का सॉफ्टवेयर है। बिकॉज OnePlus की पेरेंट कंपनी ओप्पो है तो इन्होंने कलर OS जो कि ओप्पो का सॉफ्टवेयर है वो यूज करना शुरू कर दिया था OnePlus के फोन्स में, जो कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बट नाउ दे हैव ब्रॉट बैक ऑक्सीजन OS जो कि OnePlus का अपना सॉफ्टवेयर। एंड इस स्मार्टफोन में भी आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी विद 67W फास्ट चार्जिंग जो कि सुपर वूक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो कि ओप्पो की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। ये स्मार्टफोन भी मेरे को काफी पसंद आया क्योंकि यहाँ पर आपको देता है ये अच्छी क्वालिटी पिक्चर, साथ ही आपको मिलता है एक अच्छा प्रोसेसर एंड यहाँ पर आपको डिस्प्ले में भी एक 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। तो इस स्मार्टफोन का प्राइस है ₹19,999। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्मार्टफोन विच इज पोको X5 5G। तो गाइज ये स्मार्टफोन भी बिल्कुल सिमिलर है रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G के। जस्ट फर्क इतना है कि यहाँ पर आपको मिल जाता है Qualcomm का Snapdragon 695 प्रोसेसर एंड यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा यूज करा गया है वो है 13MP का कैमरा लेंस। एंड गाइज इसके डिस्प्ले में भी आपको मिल जाता है 120Hz का रिफ्रेश रेट एंड इस स्मार्टफोन का डिजाइन भी मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया। एंड गाइज इस स्मार्टफोन का प्राइस है ₹18,999। एंड गाइज रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G का प्राइस था ₹17,999। तो गाइज अगर आपको इन दोनों स्मार्टफोन में चॉइस करनी हो देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर रियलमी नार्जो 50 क्योंकि वो स्मार्टफोन पोको X5 से चीप है एंड थोड़ा ज्यादा बेटर है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्मार्टफोन विच इज मोटोरोला G73 5G। तो मोटोरोला काफी परफॉर्मेंस बेस्ड स्मार्टफोन्स बनाता है। तो गाइज इस स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 930 जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। एंड साथ ही स्मार्टफोन में आपको मिल जाता है 6.5 इंच का FHD प्लस डिस्प्ले विद अ रिफ्रेश रेट ऑफ 120Hz। एंड अगर हम कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक ड्यूअल कैमरा सेटअप जिसमें 50MP का प्राइमरी लेंस है एंड 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस। इस स्मार्टफोन में भी आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी विद 30W फास्ट चार्जिंग
इस स्मार्टफोन का डिजाइन काफी सिंपल है इफ कंपेयर टू ऑल अदर स्मार्टफोन्स इन द लिस्ट एंड काफी ज्यादा सिंपल है एंड मेरे को ज्यादा पसंद नहीं आया। इस स्मार्टफोन में आपको मिलती है थिन बेजल्स एंड साथ ही आपको मिलते हैं डॉल्बी एटमोस स्पीकर्स। तो गाइस अगर आपको स्मार्टफोन के डिजाइन या फिर उसके कैमरा से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बट आपको एक ज्यादा हाई परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए तो आप मोटोरोला के G73 5G के साथ भी जा सकते हैं। तो गाइस इस स्मार्टफोन का प्राइस है ₹16,999 जो कि काफी रीजनेबल लगा। तो गाइस आप सब यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक मेजर कंपनी को मिस कर दी है जो कि है Xiaomi। तो गाइस Xiaomi के स्मार्टफोन्स 20,000 के अंडर मेरे को कुछ ज्यादा स्पेशल स्मार्टफोन्स मिले नहीं, कुछ ज्यादा स्पेशल फीचर्स वाले, ज्यादा से ज्यादा स्मार्टफोन सारे पुराने थे। बट गाइस अगर आप इस प्राइस से थोड़ा ऊपर जा सकते हैं तो गाइस ₹23,499 में आपको मिलता है Xiaomi का Mi 11X 5G जो कि काफी ज्यादा अच्छे फीचर्स के साथ आता है। बट पर्सनली Xiaomi का सॉफ्टवेयर मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसमें काफी सारे एड्स आते हैं, यहाँ तक कि Vivo और Oppo में भी काफी एड्स आते हैं। एंड अगर आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो बिल्कुल एड फ्री हो या जिसमें मिनिमल से मिनिमल एड्स हो तो आप जा सकते हैं Samsung के फोन के साथ, Motorola के फोन के साथ या फिर OnePlus के फोन के साथ। तो गाइज अगर हम बात करें कि यहाँ पर मेरी क्या फेवरेट पिक थी इन स्मार्टफोन्स की लिस्ट में से, सो माई फेवरेट वुड बी Samsung M33 5G। यस आई एम अ Samsung बॉय बट इसलिए नहीं, बट गाइज एक्चुअली दिस स्मार्टफोन इफ कंसिडरिंग द प्राइस ऑल्सो की जो है ₹17,499, इसमें जो ये स्मार्टफोन फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो Samsung इस स्मार्टफोन में फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं इफ कंसिडरिंग ऑल अदर स्मार्टफोन्स इन द लिस्ट। तो मेरे लिए द बेस्ट स्मार्टफोन वुड बी Samsung M33 5G। बट यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो OnePlus को प्रेफर करते हैं, देन यस माय सेकंड ऑप्शन वुड बी OnePlus Nord CE3 Lite 5G। सो गाइस दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। तो गाइस ये वीडियो थी बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर ₹20,000 एंड मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा जो कि अलग मनी ब्रैकेट्स के अंडर आएंगे, लाइक स्मार्टफोन्स अंडर ₹30,000, अंडर ₹40,000 एंड सो ऑन। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। एंड गाइस आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप और आगे कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं।